इसके अलावा ये हमारी एडेनाइट, बल्कि उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ, जो हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी का मैं आपको बता रही थी कि ऐसे मरीज़ का मुंह खोला हुआ हमने मेरी तरफ, उसका ऊपर अपर लिप और नाक है ना, तो यूँ अगर जाके मैं इसको पोस्टीरियर वॉल पे रखूँगी, पोस्टीरियर वॉल पे, तो मुझे इमेज किसका नज़र आएगा, नेसोफेरिंक्स का और कोएना का इमेज नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं राइट लेफ्ट टिल्ट करूँगी, मुझे एडेनाइड्स और यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग, टॉरस टिपेरिस, जो नेसोफेरिंक्स की चीज़ें हैं, एनाटॉमी है सारी, वो भी नज़र आएगी। अगर मुझे उसमें देखने में लग गया है कि एडेनाइड तो हाइपरट्रॉफिड है, ऐसे भी हम फिंगर डाल के पर ऑप भी देखते हैं, और प्री ऑप हमने एक्सरे भी कराया होता है, हिस्ट्री भी ली होती है, एडेनाइड हाइपरट्रॉफिड के बारे में हम कंफर्म तो होते ही हैं। मजीद ये आप मरीज को बेहोश करके देखना लाजमी नहीं है, ये आप जागते हुए ओपीडी में भी देख सकते हो। थोड़ा सा इसको ना वार्म करके, इतना कि ये टच होने पर ना कोल्ड लगे ना हॉट लगे, आप डालो मरीज के मुँह में ऐसे, सामने मुँह खुलवा के पीछे पोस्टीरियर वॉल तक जाओ ऐसे, थोड़ा राइट लेफ्ट घुमाओ, आपको उसके सारी वो इमेज नज़र आता है। तो इसमें मिस्ट, मिस्ट से क्यों? गैग ये है कि आपको अगर कुछ मरीजों का ज़्यादा होता है, ठीक है, उनको आप 4% जाइलोकिन से गार्गल्स करा लेते हो, कुछ करवा लेते हैं आराम से, कोई इतना मसला नहीं होता। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आप किसी चीज़ को टच नहीं करो, यूविला को, पैलेट को टच करोगे तो गैग आएगा, अगर आएगा भी तो आप उसी वक्त फ़ौरन बाहर निकाल लो, फिर दूसरी दफ़ा। मिस्ट से कैसे रोकते हैं? मिस्ट के लिए इसके ऊपर वो सोल्यूशन होता है, क्या उसे कहते हैं, सेवलॉन, वो लगा लेते हैं, ठीक है, सेवलॉन सोल्यूशन। हमें एडेनाइड नज़र आ गया, अब हमने निकालने कैसे हैं, एडेनाइड क्यूरेट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा, ठीक है, इसको हम यूँ इंसर्ट करेंगे पीछे नेसोफेरिंक्स में जाके, ये पीछे हमारा नेसोफेरिंक्स है, ये नीचे हमारी सारा वो एसोफेगस ओरोफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स जा रहा है, ये ऊपर नेसोफेरिंक्स है, ये दो प्रोमिनेंसेज हैं जस्ट इन केस अगर ये एडेनाइड्स हैं, ये जो मेरे हाथ में, मुँह के अंदर से डालेंगे इस पर, ऊपर जाके यूँ रखेंगे एंड कड़क करेंगे, स्क्रैच, एडेनाइड्स का कोई फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल कुछ नहीं हो, और बस हाँ सब म्यूकोज़ली पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे साथ से वो स्क्रैच हो जाते हैं, जैसे अगर ये एडेनाइड है ना, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से इसको स्क्रैच करूँगी तो ये म्यूकोज़ा के ऊपर से उसको यूँ पील ऑफ करके ले जाएगा, ठीक है, सामने हमारे ये टंग डिप्रेसर को जाकर कड़क करके ये टक, और इसके अंदर वो आ चुका हुआ होगा एडेनाइड, राइट लेफ्ट और मिड लाइन 3 स्ट्रोक्स लगाएंगे, सारा एडेनाइड टिश्यू हमारा निकलेगा। तो दिस इज़ एडेनाइड क्यूरेट यूज्ड फॉर एडेनाइडेक्टमी, ठीक है, ये हमारे ओरल कैविटी के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बायोप्सी।